थे और फिक्टिशियस थे, क्योंकि अभी तब तो जब वो दिखा रहे थे रुझान इतना 55 कांग्रेस 56 कांग्रेस 70 कांग्रेस, उस वक्त तक तो भी गिनती शुरू ही नहीं हुई थी, हम भी तो निगाह रखे हुए हैं, और उस वक्त तो पोस्टल बैलेट को खोल के स्कैनिंग की जा रही थी, स्कैनिंग करने के बाद फिर उसकी काउंटिंग होती है, फिर ईवीएम खुलती हैं। अब ईवीएम खुल रही हैं, एक राउंड एक एक दो दो राउंड सब जगह पर हुए, और उसमें अब देखिए अब बीजेपी कई जगह पर आगे दिखा रहे हैं, कई बराबर दिखा रहे हैं। आपकी सीट पर भी मुकाबला काफी टफ का है, कभी आगे कभी पीछे चल रहे हैं, क्या लग रहा है कि हमारा टफ वाला पोर्शन निकल गया, अब हम आगे ही आगे जाएंगे। चलिए, क्या लग रहा है बीजेपी सरकार बना पाएगी फिर से? बीजेपी सरकार बना पाएगी तीसरी बार? बैठ जाइए, चलिए वहीं चलते दोनों। देखिए अभी वी आर होपफुल, बराबर चल रहे हैं और आगे जैसे जैसे खुलेंगे और आगे शहरी इलाके भी खुलेंगे तो बहुत कुछ उलट फेर होगा। पहले कांग्रेस बहुत आगे दिखा रहे थे, नहीं वो जायज आंकड़े नहीं थे, माफ कर रहा मुझे, विद ड्यू रिगार्ड टू एवरी चैनल, वो जायज नहीं थे, क्योंकि मुझे जानकारी थी उस वक्त तक अभी बैलेट पेपर की स्कैनिंग हो रही थी, तब बैलेट वो जो पोस्टल बैलेट है उनकी स्कैनिंग हो रही थी। अभी क्या लग रहा है सर? अब पोस्टल बैलेट भी गिने गए हैं और एक एक राउंड भी गिना गया, और कहीं पे दूसरा भी शुरू हो गया होगा, दूसरा भी गिना गया होगा, और दूसरा आते ही आप देख लिए बराबर हो गया काम सारा। आगे बढ़ेंगे फिर, आगे गिनती बढ़ेगी तो आगे बढ़ेंगे।